दोस्तों आप में से कई सारे लोगों ने KGF 2 मूवी तो जरूर देख ली होगी, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि KGF 2 मूवी की शूटिंग आखिर किस तरीके से की गई थी। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस मूवी में VFX का काफी कम इस्तेमाल किया गया है। KGF मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील ने जितना हो सके उतना इस मूवी को रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है। इसी के साथ इस मूवी में 800 से भी ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट ने काम किया है, जो कि आप इस मूवी में कई जगहों पर देख सकते हो। इतने सारे आर्टिस्ट को RRR मूवी या फिर बाहुबली में भी नहीं लिया गया था, क्योंकि कई बार मूवीज में ज्यादा भीड़ को दिखाने के लिए VFX का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर कंप्यूटर की मदद से कॉपी पेस्ट करके भीड़ को बना दिया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस मूवी को शूट करने के लिए जिस खास कैमरे का इस्तेमाल किया गया उसका नाम है एरी एलेक्सा SXT और इसकी कीमत करीब 75 लाख रुपीज है। इस हाईटेक कैमरे का वजन ही करीब 40 किलो तक होता है और KGF मूवी में कई जगहों पर सिनेमेटोग्राफर ने इसे अपने कंधे पर उठाकर पूरी मूवी को शूट किया, ताकि मूवी का हर एक शॉट परफेक्ट आ सके। अब इस मूवी को बनाने में करीब 150 से भी ज्यादा अलग अलग कैमरों का इस्तेमाल किया गया है, ताकि मूवी को हर एंगल से परफेक्ट शूट किया जा सके। आपको बता दें कि KGF के मेन कैमरामैन भुवन गोंडा है, जिन्होंने अपने करियर में कई सारी सुपरहिट मूवीज बनाई है और ये प्रभास की आने वाली मूवी सालार में भी काम कर चुके हैं। KGF मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइनर नवीन शेट्टी और उनकी पूरी टीम है, जिन्होंने की पूरी मूवी में सभी एक्टर्स की कॉस्ट्यूम को तैयार किया है। KGF मूवी में आपने जो अधीरा की कॉस्ट्यूम पहने हुए देखा होगा, सिर्फ उस कॉस्ट्यूम का वजन ही करीब 25 किलो है, जिसे कि लेदर और रबड़ की मदद से बनाया गया है। और इसी तरीके से मूवी में अलग अलग कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल करके मूवी को एक रेट्रो और कलरफुल लुक दिया गया है, और इसी वजह से KGF मूवी में रॉकी भाई के स्टाइल से लेकर उनकी ड्रेस भी काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है। मूवी में आपने कई सारे कार्स के चेजिंग सीन देखे हैं, वैसे तो उन सभी को VFX की मदद से बना लेते हैं, लेकिन इस मूवी को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए सभी एक्शन सीन को रियल में शूट किया गया था। KGF मूवी में आपने देखा होगा कि रॉकी कार में बैठकर रीना को बचाने के लिए जाते हैं। ये कार असल में फोर्ड की 1969 की मस्टैंग कार है, जिसकी कीमत काफी ज्यादा है। KGF मूवी की शूटिंग कई अलग अलग जगहों पर की गई थी। कोलार गोल्ड फील्ड्स के अलावा हैदराबाद, बेंगलुरु और मैसूर में भी इसकी शूटिंग की गई थी। मूवी में आपने जो रॉकी भाई का कोलार गोल्ड फील्ड के पास में पैलेस देखा था, दरअसल वो हैदराबाद का ताज फलकनुमा पैलेस है, जिसे की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन KGF मूवी में हमें ये जगह एडिटिंग करके कोलार गोल्ड फील्ड के पास में ही दिखाई जाती है। आपने मूवी में देखा होगा कि रॉकी दुबई में इनायत खलील से मिलने के लिए जाते हैं और वो एक बीच पर खड़े होते हैं जहां पर ढेर सारी गाड़ियां आ जाती है। दरअसल ये शूटिंग दुबई में नहीं बल्कि भारत में कर्नाटक के एक बीच पर फिल्माया गया था। अब दोस्तों मूवी की एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मूवी में जितना भी पैसा खर्च हुआ उसका 15% हिस्सा क्लाइमेक्स पर ही खर्च कर दिया गया था, यानी कि करीब 52 करोड़ रुपए मूवी के क्लाइमेक्स को बनाने में लगाए गए थे। इसी के साथ मूवी में एक सीन आता है जहां पर पुलिस वाले रॉकी के ठिकानों पर रेड करने के बाद में एक सोने का बिस्किट ले आते हैं और यहां पर रॉकी बड़ी सी गन लेकर उन्हें मारने के लिए पहुंच जाते हैं। मूवी में तो आपने देखा कि रॉकी कितनी आसानी से गन सेट कर देता है, लेकिन असल में इस बड़ी सी गन को सेट करने के लिए एक पूरे क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है और इस टीम को इस बड़ी सी गन को लगाने में काफी ज्यादा समय भी लग जाता है, लेकिन मूवी में देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे रॉकी भाई ने ही गन सेट की हो। मूवी के क्लाइमेक्स में आपने अधीरा और रॉकी की लड़ाई का सीन देखा होगा, जिसे कि लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। इस फाइट सीन की खास बात यह है कि इसमें किसी भी जगह पर हीरो या फिर विलन के बदले किसी और स्टंटमैन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। मूवी में जितने भी एक्शन सीन है वे सभी एक्टर्स ने खुद ने किए हैं। इसी के साथ KGF मूवी को 1980 के जैसा दिखाने के लिए कई सारी छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया गया। मूवी में आपने देखा होगा रॉकी भाई अपने सभी लोगों के साथ में पार्लियामेंट में घुसते हैं। दरअसल ये एक रियल लोकेशन है, जो कि मैसूर के इंफोसिस कैंपस का है, जो कि देखने में एक बड़े से पार्लियामेंट हाउस की तरह ही लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी नकली AK-47 बंदूकें रखी हुई है, जिसका मूवी में इस्तेमाल किया गया था। मैसूर का इंफोसिस कैंपस सच में देखने में पार्लियामेंट जैसा ही लगता है, इसीलिए इस जगह पर मूवी में प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाले सीन को शूट किया गया था। KGF मूवी में आपने 50% पार्ट सोने की खदानों का ही देखा होगा।
वह दरअसल असली खदाने थी, जहां पर शूटिंग का सेट लगाकर KGF 1 और 2 मूवी की शूटिंग की गई थी। ये जगह बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब दोस्तों, वैसे तो KGF मूवी ज्यादातर काल्पनिक है, लेकिन इस मूवी को 1917 के एक थंगम नाम के गैंगस्टर से प्रेरित होकर बनाया गया था, जिसे कि 1997 में एक एनकाउंटर के दौरान मार दिया गया था। वैसे आपको बता दें कि कोलार गोल्डफील्ड की कहानी कुछ हद तक असली भी है, क्योंकि 1980 के दौरान भारत में सोने की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और करीब 1902 में कोलार गोल्डफील्ड में सोने के बारे में पता चलने के बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पर खुदाई का काम शुरू करवा दिया था, और इसी सोने को निकालने के लिए एक डैम का भी निर्माण करवाया गया था। मूवी में आपने जिन खदानों को देखा वो असली खदानें थी, जिनसे सोना निकालने का काम किया जाता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा बिहाइंड द सीन्स ऑफ KGF 2 मूवी। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमने मूवीज के VFX ब्रेकडाउन और बिहाइंड द सीन के कई सारे वीडियोस बनाए हैं। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रैपिड इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी और वीडियो देखने के लिए इन नीचे दिए गए वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें।